सरकार पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अभियानों पर काम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां जशपुर में बच्चे अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, बच्चों ने 4 महीने से बंद पड़े एनआरएसटी केंद्र खुलवाने की भी गुहार लगाई। बच्चों और अभिभावकों के समर्थन में जशपुर विधायक आदेश चौहान भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा एनआरएसटी परियोजना के तहत केंद्र खोले गए थे, जिससे सरकार की साक्षरता मिशन को लगातार कामयाबी हासिल करने में जुटी है। लेकिन सरकार द्वारा जसपुर खंड विकास में तुमरिया डैम के समीप दुर्गापुर किलाबली जंगलात में गुजर बस्ती में केंद्र संचालित था, जिससे केंद्र में कभी 65 बच्चे बच्चियां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिस पर अब अचानक से जिला शिक्षा अधिकारियों ने रोक लगा दी, जिससे दर्जनों बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया। इस पूरे मामले को लेकर बच्चे अभिभावकों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से कभी जसपुर के वीआरसी और एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अभिभावकों ने सरकार से जल्द बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूर्व संचालित केंद्र को एक बार फिर संचालित करने की मांग की। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चल रहा था 2009 से, जो 2024 में बंद कर दिया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल बंद हुआ है इसे चालू किया जाए, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, यही हमारी मांग है। तो सर हम उस दिन डीओ साहब से भी बीआरसी में जस्ट मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका स्कूल चालू किया जाएगा। फिर उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ गए सर्वे के लिए, तो फिर उसके बाद फिर हम मिले जसपुर में, तो उनका कि हमने जो है जिला प्रशासन में भेज दिया है, वो आश्वासन दे रहे, लेकिन स्कूल अभी तक चालू नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कि भाई हमारी तो ये मांग है कि हमारा स्कूल दोबारा चालू किया जाए, और एडमिन साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपका स्कूल चालू किया जाए। गुजर बस्ती में एक सेंटर चलता था, और उसको जो हमें पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो एडिट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ना मिल पाने के कारण वो बंद कर दिया गया है, और इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा व्यवस्था की गई थी कि नज़दीकी विद्यालय में है उनको एडमिशन करवाना था, लेकिन चूंकि ये पता चला है कि उनके जो नज़दीकी सेंटर हैं 1-6 किलोमीटर और 1-4 किलोमीटर है, वहाँ बच्चे वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रोड अच्छी नहीं है। तो इसके लिए अभी ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो संबंधित जो विभाग है और अधिकारी हैं उनसे इस बारे में वार्ता की जाएगी, उनको लिखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो हर्जा हो रहा है वो ना हो, और कोशिश तो पहले प्रथमतः यही की जाएगी कि उनको जो है वहाँ सेंटर जो खुला था यदि वो किसी तरह से चालू हो सकता है तो उसको दोबारा चालू करने के लिए प्रयास करें। हमारे यहाँ गुजर बस्ती के एनआरएसटी केंद्र चल रहा था, 24 में बंद हो गया है, वहाँ 65 बच्चे जो है वहाँ पिछले बार थे, और नए इस समय जो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर उस एनआरएसटी केंद्र में जो बच्चे थे उनको दुर्गापुर प्राथमिक विद्यालय है जो लगभग 6 किलोमीटर पे है वहाँ एडमिशन कराने के लिए व्यवस्था किया गया है, और उसमें एक बच्चे पर 6,000 रुपया पर ईयर के लिए है की व्यवस्था की गई है, और अगर वो एडमिशन करा लेते हैं तो उनको किताब ड्रेस जो भी चीज़ें हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। स्कूल में पढ़ाती है ये स्कूल गुजर बस्ती एनआरएसटी के जसपुर ब्लॉक में पढ़ता है, ये यहाँ पे 65 बच्चों की संख्या है जो कि अब बंद हो चुका है, 31 मार्च 2024 को बंद कर दिया गया है स्कूल, जिसमें कि बच्चे कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5-6 किलोमीटर के बीच की दूरी में कोई स्कूल नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, सिर्फ यही एक स्कूल था जो कि बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे थे, अभी से भी सरकार ने बंद कर दिया है, ये बंद किया है परियोजना अधिकारी ने हमारे पास।